ममता सिंह। तो चलिए रुख करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। पीरपैंती में पहुंचे उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन, बोले हैं कि पीरपैंती में खुलेगा उद्योग, यूहो के लिए एनटीपीसी से मांगे हैं, जमीन मिलने पर खुलेगा उद्योग। इस मौके पर स्थानीय विधायक हिंदी न्यूज राजकुमार, जदयू प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता, मंडल अध्यक्ष प्रिंस कुमार, वीआईपी पार्टी के राज नारायण सरपंच, विधायक प्रतिनिधि ऋषिकेश सिंह, राकेश सिंह राठौर, जगदीश मंडल, हरीराव शर्मा के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। लाइव टीवी समाचार के लिए देवमुनि कुमार की खास रिपोर्ट। उनका आशीर्वाद खड़ा रहता है। जब भी मैं पीरपैंती आता हूं तो लगता है मैं अपने घर में आ गया हूं। यहां के लोग हमसे खूब नखरा भी करते हैं, हम मनाते भी हैं। यहां का रिश्ता ही अलग है, आत्मीय रिश्ता है, जैसे लगता है कि मैं यहीं का हूं। इसलिए यहां सोच रहा हूं कि औद्योगिक विकास भी हो, जहाँ सोलर पावर प्लांट लगेगा वहाँ पर उद्योग के लिए भी हमने जगह बिहार सरकार से लिख के मांगी है कि कम से कम 100 एकड़, 200 एकड़ मिल जाए तो अच्छा। वो ज़मीन उद्योग विभाग ने ही एक्वायर किया था, लेकिन हम उसी में से बिजली विभाग से 100 एकड़ की ज़मीन की मांग हमने की, ताकि यहाँ एक औद्योगिक केंद्र पीरपैंती में बन जाए, ताकि लोग सदा यहाँ पर, हमारा जो रिश्ता है उस रिश्ते को मजबूती मिले। उसमें तो कुछ पता सर, एक बात आप जो बता रहे थे जैसे विधायक जी मालदा पटना स्टॉपेज के बारे में उठाए भी थे, तो आप बता रहे थे कि सुपर जो ट्रेन है उसमें बोगी बड़ी, तो मालदा पटना स्टॉपेज पीरपैंती के लिए कब होगा सर? वो उद्योग विभाग से नहीं है संबंधित, बुनकरों की काफी संख्या है, अभी भी पुरानी पद्धति से वो लोग, वो उन सब की पूरी चिंता करेंगे। ठीक है जी, फोटो इनके घर के लोग रहे, बाकी आदमी जो रहेगा। अब तक के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, थोड़ी देर में फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।